हाय फ्रेंड्स, जॉब सेंट करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिकमेंड आया है वो पीएनजी से आया है, और आप सभी जानते हैं पीएनजी एक एफएमसीजी कंपनी है, और यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर का पोस्ट है, और आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 40 ईयर्स। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा और कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, पीएनजी से जो रिकमेंड आया है वो एफएमसीजी सेक्टर से रिकमेंड है, मतलब फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स के सेक्टर से जॉब आया है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोसीड्योर है वो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ हो। टोटल जो वैकेंसीज है बताई गई नहीं है, और आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए। और जॉब जो नेम होगा वो प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर का है। परमानेंट जॉब मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। कोई भी कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, इंटरव्यू होगा और उस ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन जो प्रोसीड्योर है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज भी डिस्कस किया गया नहीं है, आप सिलेक्शन होने के बाद ही सैलरी पैकेज आपको डिस्कस किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इस स्टेट में आप क्वालिफाइड कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एमबीए डिग्री होना चाहिए, डिग्री है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब फ्रेशर्स हो तो जरूर अप्लाई कर दीजिए। एडिशनल सबका सब्जेक्ट है, एडिशनल मतलब आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सैलरी पैकेज रहेगा वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्कस किया गया नहीं है। और लास्ट डेट रहेगा, यहाँ पे लास्ट डेट बताया गया नहीं है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई का प्रोसीड्योर यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है, तो नीचे नोटिफिकेशन जो मैं बताया गया हूँ तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर दीजिए, तो जब अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, उस पेज में जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, तो आप पहले न्यू यूज़र हो तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। जब न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो रजिस्टर करके बाकी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आएगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और मेरे इस जॉब का जो डिटेल्स है आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को भेज दीजिए जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके दोस्तों को भी मिलता रहे, तो इसलिए सबको इस चैनल का सब्सक्राइब करके रखने के लिए बोलिए। तो इसी तरीके से मैं फिर से एक नया जॉब लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में, धन्यवाद।